어떻게 다 했어? 응? 아니 ये सब क्या है? अरे इतने इतने पैसे कहाँ से हैं आपके पास? मैंने कमाए हैं अपनी आवाज का जादू बिखेर के। तुझे क्या? आवाज का जादू या दिमाग का जादू? नानी सच सच बताइए, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? सच्ची तो कह रही हूँ, और तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? नानी अगर आपने मुझे सच नहीं बताया ना, तो यही आपके सामने इसी वक्त इन सारे पैसों को जला दूंगी। और आप ये बात अच्छे तरीके से जानती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तू सुनना चाहती ना? तू सुन, ये पैसे मुझे राजरानी ने दिए अपना मुंह बंद रखने के लिए। और तो और वो सारी जिंदगी हमारा खर्चा चलाने को तैयार है। बस उसकी यही शर्त है, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। क्या? मैं तो इंसाफ मांगने गई थी, उसने इंसाफ पैसों से किया तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे भी ये बात मैं तुझे शाम को बताने वाली थी, मगर तू बिल्कुल बिल्ली है ना, सारी बातें सूंघ लेती है। नानी अब दीजिए मुझे इसे, लाइए पैसे मुझे दीजिए। अरे छोड़ दे, पैसों की जरूरत है हमें, तेरे दुकान से पता नहीं कब पैसे आएंगे, हम घर कैसे चलाएंगे। नानी मैं इन पैसों को आपको नहीं रखने दूंगी, आप अपने पास इन पैसों को नहीं रख सकती, आप दीजिए मुझे। छोड़, तो नहीं रखने दूंगी मैं उसके पैसे। नानी जिद मत कीजिए। सॉरी अम्मा, क्या कर रहे हो आप लोग? देखना नानी, उस रुद्र ने सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती की सो की, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा अपना परिवार तो मेरा साथ देगा। अरे नानी आप तो खुद ही मेरी इज्जत उस राजरानी जी के हाथों बेच आई। एक काम कीजिए, नहीं नहीं मैं बताती हूँ आपको, आप एक काम कीजिए, आप मुझे भी कहीं बेच आइए, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे आपको। अरे क्या रोक रहा है आपको, बेच आइए ना मुझे। खबरदार जो तूने मुझसे ऐसी बात की दोबारा, मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला, मैं तुझे बेच आऊं। चले जो कर रहे कर। देवर जी आपकी ब्लैक कॉफी। बोल। मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। क्यों? हनीमून प्लान करना है अब? तो तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तुमसे इस वक्त शिवजी के मंदिर में मिलना चाहती हूँ, अब भी। तो मुझे शिव मंदिर में मिल लिया गंगा किनारे, अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने जो किया है ना, उसके लिए ना कभी मैं तुझे माफ करूंगा और ना ही भगवान। तो सब कर रही है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात तू जान ले।